और अभी तानिया हमें क्या बताने वाली हैं जी. जी टीचर. अच्छा तो ये जो आया है द नेक्स्ट वन सेल्फ केयर, इस पर मैं एक्चुअली बहुत बात करना चाह रही थी. अच्छा तो जब हम यू नो ग्रूमिंग की बात करते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग, आई थिंक उतना ही इम्पोर्टेंट जो ग्रूमिंग का एक हिस्सा भी है पर्सनल ग्रूमिंग का, इट्स सेल्फ केयर. नाउ सेल्फ केयर बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है. इसमें इट एनकंपसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट कुड बी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. और मुझे लगता है कि हम सब लाइफ में इतने बिजी हैं, नॉट जस्ट लाइक एक्टर्स एंड हम लोग जो हैं, बट जो भी कोई जॉब कर रहा है, कोई फैमिली का ख्याल रख रहा है, जो कोई पढ़ रहा है, कि हम खुद का ख्याल रखना उसमें भूल जाते हैं. बिकॉज एक एवरीबडी इज़ इन दिस रेस ऑफ लाइफ कि हमें आगे बढ़ना है, जो कि अच्छा भी है कि यहाँ तक पहुँचना है, बट उसमें हमें खुद के लिए टाइम निकालना और ख़ुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है. अच्छा जैसे कि तुम से पहले अभी एली ने बात की थी कि ये अपने बर्थडे पे अपने आप को ट्रिप गिफ्ट करती है, तो क्या ये सेल्फ केयर के अंदर इसकी कोई ब्रांच आती है? जी जी, दिस इज़ रिलेटेड टू सेल्फ केयर, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्पेशल ओकेजन पे या कोई बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करो. सेल्फ केयर कैन ऑल्सो बी जस्ट, मतलब आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप लाइक आराम से कोई बुक पढ़ रहे हैं एंड कोई और नहीं है, और आप यू जस्ट विद योर थॉट्स एंड योर टेकिंग टाइम, और वो आपका दुनिया से अलहदा टाइम है. अच्छा, दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ सेल्फ. अब जो मोबाइल पे लगे हुए होते हैं, देख रहे होते हैं पूरा पूरा दिन, वो सेल्फ केयर में आता है कि नहीं? दैट इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन. मोबाइल मत यूज करें, बर्बादी है. मैं खुद अपने आप की बर्बादी है. लेकिन आप वो तो ऑपोजिट है उसका, बिकॉज ये बहुत चीज हो गई है कि इंस्टाग्राम पे या कहीं भी आप स्क्रोल कर रहे हैं, देख रहे हैं, उससे थोड़ा टाइम अलहदा लें. आप मेडिटेशन करें, योगा करें. इतनी ऐप्स हैं विच आर नॉट इवन एक्सपेंसिव. मैं मेडिटेशन करती हूँ कुछ, यू नो इट हेल्प्स योर स्टेट ऑफ माइंड. आपको थोड़ा सा स्लो डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है. इसके अलावा आप एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली उसमें आती है, जिस तरह सब ने बात की, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ऑल ऑफ दिस. एंड देन इसमें बनी हुई है, मैं देख लूँ और चीज़ें. अच्छा मैंने इसके अभी यूट्यूब वगैरह पे भी हम देखते हैं, इंस्टा पे भी मैंने बहुत सारी खवातीन को देखा है, वो अपना स्किन केयर रूटीन जो है वो बता रही होती है. जैसे उन्होंने कहा कि वो अपने बालों का ख्याल रखती हैं, ऑयलिंग करती हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ. मेरे सारे बाल बहुत कम हो गए हैं. आई नीड टू, ये मुझे प्यारे मेरे कितने, आप हमेशा कहती थी अच्छे बाल हैं, अब इतने लाइट हो गए हैं बाल, मैंने छोटे छोटे कटवा लिए हैं. देखे मैंने, अब मैंने बता दिया, आई हैव गॉटन लाइक. लेकिन बालों का भी, स्किन केयर इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर. तो वो ही ना, फिजिकल सेल्फ केयर एंड देन ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. लाइक अगर आपको लगता है, क्या करती हो अपनी स्किन के लिए? स्किन, अच्छा स्किन के लिए, मैं, मेरी भी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मैं ना हमेशा फेशियल्स वगैरह करवाने से डरती थी, बिकॉज बहुत दाने निकलते हैं. बट निदा, देयर इज दिस फेशियल कॉल्ड हाइड्रा फेशियल, यस, एंड वो बहुत अच्छा है. लाइक मैंने सिर्फ दो दफा अभी तक कराया है. 15 मिनट में हो जाता है. इट्स अबाउट 20 मिनट्स, यस, एंड इट्स नॉट इवन मशीन है, बट इट्स मोर अ क्लेंजिंग ट्रीटमेंट. तो उन्होंने एक दफा, जब पहली दफा मेरा किया ना, उन्होंने मुझे दिखाया, एंड आई वाज लाइक, मेरी स्किन है ये, इतना गंद निकलता है. बिकॉज जब हम मेकअप क्लेंज करते भी है ना, देयर इज ऑलवेज मेकअप रेसिड्यू, कुछ ना कुछ रह जाता है. तो वो बेशक आप वंस अ मंथ कराएं, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, कई जगहों से 6,000-7,000 तक हो जाता है, और आप वंस अ मंथ आई वुड रिकमेंड हाइड्रा फेशियल, ठीक है. उसके अलावा डेली क्लेंजिंग, जैसे कहा कि मेकअप के साथ नहीं सोना, डेली क्लेंजिंग. एंड मेरी, आई बिलीव कि मैं बहुत मॉइस्चराइज करूँ, बिकॉज मेरी ड्राई भी नहीं है, ऑयली भी नहीं है, इट्स अ मिक्स ऑफ टू, बोथ कॉम्बिनेशन स्किन है. लेकिन मैं पहले बिल्कुल मॉइस्चराइज नहीं करती थी, अब मैं एटलीस्ट 3 times a day. एंड ऑल्सो मैं थिक क्रीम्स नहीं यूज़ करती, आई यूज सीरम्स. ओके, ठीक है. सो सीरम मैं यूज़ करती हूँ, सीरम कोई भी हो, मैं एक कील्स एक कंपनी है, मैं वहाँ का करती हूँ, बट कोई भी आप लोकली भी सीरम्स लें, बहुत ज़्यादा मिलते हैं. एंड आई जस्ट यूज़ अ लिटिल, लाइक 2-3 drops लगाए, स्किन को जब मौका मिला, जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ वज़ू के बाद लगा ली, जब मैं मुँह धोती हूँ उसके बाद मेकअप उतारा लगा ली, मेकअप से पहले भी मैं लगाती हूँ, प्राइमर से पहले मैं लगाती हूँ सन ब्लॉक, एंड देन आई यूज़ सीरम एंड देन प्राइमर एंड देन आई स्टार्ट माई मेकअप. ओके, तो मॉइस्चराइजिंग फॉर मी आई थिंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये देखिए ना, इतनी सी बच्ची को पता है, और जो हमें पहले नहीं, कितनी देर में पता चला, जबरदस्त. सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास.